सागर में सरकार की एक सरकारी हॉस्पिटल ऐसी है जहां मरीज तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं। अब सरकार ही बताए गरीब क्या करे। जी हां, खबर जैसी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां ले देकर एक बीएमओ अमरदीप आर्य साहब थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो अब शहर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हो गए हैं। सुरखी विधानसभा के जैसी नगर ब्लॉक के दर्जनों गाँव के गरीब परेशान लोग इस इकलौती हॉस्पिटल के सहारे थे, जबकि बलेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर जे एस धाकड़ महज दो दिन यहां सीएमएचओ के आदेश पर आते हैं। वहीं बीमार गरीब लोग पांच दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। सूत्र कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में वर्षों से चार डॉक्टरों की जरूरत है, जिस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ड्यूटी पर आए डॉक्टर और कर्मचारी ने समस्या पर पल्ला झाड़कर गेंद जिला अफसरानों के पाले में फेंक दी। अब ऐसी स्थिति में सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के चिकित्सक ने, बीएमओ थे वर्तमान में, चिकित्सक ने इस्तीफा दे दिया है जी। इसकी वजह से चिकित्सा कमी पड़े, चिकित्सा पहले से ही कमी थी चिकित्सकों की यहाँ पर संस्थान में, तो इसकी वजह चिकित्सक नहीं है यहाँ, तो वही चिकित्सक ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया जी। जी अब आज की स्थिति में तो मेरे को देखना पड़ रहा है यहाँ से, बलेरा से। आप तो बलेरा से आते हैं? सप्ताह में दो दिन मात्र आती बलेरा से जैसी नगर, बाकी दिनों में क्या स्थिति बन रही है? अभी अब सीएमओ साहब स्तर संभाल रहे हैं, सीएमओ साहब कर रहे हैं इसकी व्यवस्था, सीएमओ साहब से स्तर से हो रही जी। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दिल्ली तक पहुंच रखते हैं, लेकिन सागर से कुछ डॉक्टरों की पदस्थापना करवाने में असमर्थ हैं। बुनियादी सुविधाओं से महरूम यह इलाका ताकतवर नेताओं की दस्तक से, पिछड़ापन से कब खुशहाल होगा? जनता के सवाल पर हुक्मरानों के पास कोई जवाब नहीं है। संतोष नामदेव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जैसी नगर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।